ये बात आज से 3 या 4 साल पहले की है। मैंने अपने किसी दोस्त को कॉल किया जो कि उस वक्त पे कॉलेज स्टूडेंट था। मैंने उसे कॉल करते ही कहा कि मुझे अभी अर्जेंट में 10,000 रुपये की ज़रूरत है और क्या तू मुझे दे देगा। तो उसने मुझे कहा कि यार मैं खुद कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मेरी पॉकेट मनी घर से आती है, तो मैं कहाँ से कैसे कर पाऊँगा। इसके अलावा तुझे कोई और ज़रूरत है, कहीं आना है, किसी को ठोकना भोकना है या फिर कुछ और, तो मुझे बता दे, मैं अभी रेडी हूँ, मैं अभी आ जाऊँगा। तो मैं गुस्सा, मैंने कहा यार तू मुझे पैसे में मदद नहीं कर सकता, तू तू मेरे किस काम का दोस्त है, आज से तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म, तू सिर्फ मतलब के लिए मेरे साथ में था। मतलब मैंने बहुत कुछ बोल के फ़ोन कट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने मुझे पैसे नहीं दिए। उसी के कुछ टाइम बाद में मैंने अपने किसी रिलेटिव को कॉल किया जो कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिनको इतनी सैलरी मिलती थी कि वो अपना घर का खर्चा चला सके। मिडिल क्लास फैमिली, मैंने नॉर्मली यूं ही परखने के लिए कि मेरे कितना काम में आएंगे नहीं आएंगे, मैंने कहा कि हुकम मेरे को इतने पैसे की ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं कहीं फंस गई हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि अभी तो नहीं हो पाएंगे बट 2 से 3 दिन का मुझे टाइम तो मैं कर दूंगा, उन्होंने मुझे ये कहा। मैंने कहा जब मुझे ज़रूरत अभी है तो 2 से 3 दिन बाद में क्या करूँगी, अभी मेरे कोई काम की नहीं हो, फालतू रिश्ते बनाए बैठे हो, क्या मतलब इतना दिखावा करने का, ये सब बोल के मैंने फ़ोन कट कर दिया क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, रिश्ता ख़त्म। ये 2 एग्जाम्पल थे जो मुझे सेट करने थे। एक्चुअली मैंने बहुत से लोगों से सुना है, बहुत बड़े बड़े लोगों से सुना है कि जब किसी का रिश्ता पहचान ना हो, परख ना हो, तो उससे पैसे मांग लो। मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा ये, है ना, तो उनसे पैसे मांग लो, उनको कॉल करके बोलो कि मुझे 10,000 चाहिए, 10 लाख चाहिए, जितने चाहिए, अगर वो आपको दे देता है तो आपको वो आपका सच्चा रिश्तेदार है, वो आपका सच्चा प्रेमी है, वो आपको मन से प्यार करता है ना। उन्होंने, मैंने ये सुना, मैंने खुद ने भी एक टाइम पे ये रियलाइज़ किया, फिर मुझे बाद में धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई। तो दैट मीन्स कि जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास फैमिली से है, उनको ना तो प्यार पाने का हक है ना प्यार देने का, क्योंकि तो उनके पास में तो नहीं है पैसा, उनका खुद का घर का गुजारा चल जाए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये एक मैंने जो आगे की आपको 2 स्टोरी बताई वो एक एग्जाम्पल सेट करना था, ऐसा कोई कोई रियलिटी बेस्ड नहीं है वो, लेकिन ऐसा होता है। तो सच्चे रिश्ते की पहचान करने के लिए वो हमसे दिल से प्यार करता है या नहीं करता, या फिर वो हमारे साथ में सच में है या नहीं है, तो उससे पैसे मांग लो। वो अगर आपको दे देता है तो आपका सच्चा रिश्ता है, राइट, वो मतलब के लिए आपके साथ नहीं है। और अगर आपको नहीं देता है तो वो मतलब के लिए हमारे साथ में, वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसको छोड़ो। सच में ऐसा ही होता है, आपके साथ भी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा यार, आपके साथ क्या मेरे साथ। आज से अगर 2 या 3 साल पहले मुझसे कोई पैसे मांगता तो मैं नॉर्मली यही कहती कि यार मेरा खुद का करने का नहीं है, मैं तुमको कहाँ से दूँ। उस टाइम क्या, आज भी अगर मुझसे कोई आके कहे कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, मैं मेरा कर लूँ वही बहुत है यार, मैं कहाँ से तुमको ला के दूँ। मैं बहुत गर्ज होते हैं जो उधार दे देते हैं। लेकिन पैसे के मामले में रिश्तों की पहचान करना आई थिंक गलत है। और अगर अगर हमें लग रहा है सामने वाला इंसान प्रॉब्लम में है, उसको ज़रूरत है, तो इंसान खुद ही आपकी हेल्प करेगा। भगवान खुद क्या, भगवान भगवान खुद भेजता है किसी अच्छे इंसान की मदद करने के लिए उन लोगों को जो कि मदद के लिए ही बने हैं। लेकिन रिश्तों की पहचान पैसों से लगाना आई थिंक ये गलत है। तो और वैसे भी जैसा कि मैंने कहा कि रिश्ते पैसों से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच। तो मेरे दिल और दिमाग में ये सारी बातें थी जो मैंने शेयर की, और 72-75% लोगों के साथ में सारी चीज़ें होती है जो बेमतलब ही इनमें फंसते हैं, इनमें पिसते हैं। और अभी भी मैं वही कहूँगी, आखिरी में भी वीडियो एंड होने वाला है, उसमें भी ये कि रिश्ते पैसों से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं, और मदद के लिए ना ऊपर वाला खुद भेजता है लोगों को, अगर आप सही हैं तो। बाकी रिश्तों को ना पैसों से जज मत करो, उतना ही मिलेगा हमें जितना है, उससे ना ज़्यादा कम, उससे ना ज़्यादा। जय माँ करनी।